दोस्तों आज के वीडियो में मैं बॉक्सर की बीमारी और उसको डॉक्टर ने क्या क्या कहा, उस दौरान हमने क्या क्या दिया और कैसे वो ठीक हुआ और ये कितनी डेंजरस बीमारी थी, ये सारी बातें आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें अगर आपके पास डॉग है, क्योंकि डॉग्स की कॉमन प्रॉब्लम है। और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो पाए और कभी आपके साथ ये सिचुएशन आए तो आप अच्छे से हैंडल कर पाए। बहुत सारे लोग जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं या जो चैनल पे रेगुलर रहते हैं, उन्हें पता होगा कि बॉक्सर कुछ दिन पहले काफी बीमार हो गया था और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि उसे क्या हुआ। मैंने कम्युनिटी में आपको पोस्ट भी शेयर की थी और आप सबसे विशेस मांगी थी और आप सबकी विशेस और प्रेयर से अब बॉक्सर पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या हुआ था, फिर मैं आपको बॉक्सर से मिल पाऊंगी। एक्चुअली हम 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे और हमने उसे डे केयर में बोर्डिंग के लिए छोड़ा हुआ था। उस डे केयर में वो पहले भी एक दो बार रह चुका है, पर वो 24 आवर्स के लिए ही रहा है। वो डे केयर 24/7 सीसीटीवी कैमराज है वहां पे जो ट्रेनर्स, बहुत सारा स्पेस है, वो उनको बांध के केजेस में नहीं रखते, फ्री स्पेस में रखते हैं। और आप जो भी उनको बताते हैं कि आपका डॉग क्या खाता है वो वही देते हैं। और 24/7 आपको एक ऐप है जिसपे लाइव एक्सेस रहता है, आप 24 घंटे देख सकते हो कि आपका डॉग क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकते हो और जो भी उसकी मील चॉइसेस होती हैं वो वैसा ही मील देते हैं। और जो बॉयज वहाँ पे हैंडल करते हैं डॉग्स को, वो भी ट्रेन्ड हैं, ट्रेनर्स हैं वो। सो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको कहूँ तो दैट डे केयर इज वेरी गुड। हुआ क्या कि बॉक्सर को, एज यू नो, हम वेजिटेरियन से तो चिकन नॉर्मली उसको नॉर्मली क्या उसको कभी भी नहीं मिलता है, एज हम उसको बाहर जाकर खिला देते हैं। सो व्हाट हैपेंड कि जब उसे वहां पे फूड में चिकन एंड राइस सर्व किया गया, वो जो पहले भी वो गया है तब भी उसको सर्व किया गया था, तो उसने अपना तो खा ही लिया, लेकिन वो 2-3 बार जा चुका था तो इतना फ्रेंडली हो गया और इसने दूसरे का खाना भी खा लिया। इसकी वजह से इसको ओवर ईटिंग हो गई, चूंकि ये बहुत ज्यादा यूज टू नहीं है एक तो चिकन का, और सेकेंड इसने ओवर ईटिंग भी कर ली, इसकी वजह से इसको डायरिया हो गया, लूज मोशंस और वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग इसको सिर्फ डे वन हुई जब तक उसने अपने अंदर का खाना नहीं निकाल दिया, और लूज मोशंस इसको पूरा ऑलमोस्ट 1 वीक चले। पहले 2 दिन बहुत ज्यादा थे, लूज मोशन हो जाना भी इतना डेंजरस नहीं है, बट इसको ब्लडी डायरिया हो गया था, यानी कि जिस डायरिया में वॉटरी स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आता है और मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम क्वांटिटी में ब्लड ही होता है, स्टूल बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब डॉग बिल्कुल नहीं खा रहा, डे वन इसने पानी भी नहीं पिया था। तो हमने जब हम इसको लेकर आए, हमने देखा कि कैसे क्या चल रहा है इसका। दोपहर बाद हमने नोटिस किया इसको 1-2 बार ऐसे मोशंस हुए, रात में वो मोशंस के काफी बढ़ गए। और तो जब हमने सुबह देखा, हमने पूरी रात 5 दिन बालकनी अपनी, अपना जो बेडरूम का गेट है वो खुला ही रखा ताकि जब भी इसको जाना है वो जा सके। तो जब हमने रात भर के बाद देखा, उसकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा थी, और हमने एक वेट को फिर विजिट किया। तो जब हमने वेट को विजिट किया, वेट ने हमें बताया कि इसे HGE हो गया है, यानी कि हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें कि आपका जब डॉग स्टूल पास करेगा तो उसमें ब्लड ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ स्टूल, या फिर पूरा का पूरा ब्लड भी हो सकता है। और ये दोस्तों एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, एक डेंजरस कंडीशन होती है, अगर आप बहुत जल्दी ही इसको सीरियसली नहीं लेंगे और आपके डॉग को आपने बहुत जल्दी से वेट हेल्प नहीं दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ये फैटल हो सकता है, आप अपना जो डॉग है उसे खो सकते हो। तो जैसे ही हमने वो देखा, अगले दिन मॉर्निंग ही हम इसको वेट के पास लेके गए और वेट ने इसको 5 इंजेक्शंस दिए। बॉक्सर को इंजेक्शन लगवाना बहुत ही टफ काम होता है, इंस्पाइट ऑफ दिस हमने कैसे लगवाए वो हम ही जानते हैं। और ये जब डॉक्टर ने पहले दिन इसका कंडीशन देखा तो उसको लगा कि अभी इसको ड्रिप लगवाने की जरूरत नहीं है, इतना उसमें चलने फिरने की ताकत है। और जब वो इंजेक्शन लग गए, फिर उसने दिन में जब वो लौट के आया तो उसने 3-4 बार पानी पिया, और खाना आई थिंक उसने 3rd डे से खाया था, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ दही वगैरह, एक छोटी कटोरी दही दिन में, एक रात में, कम से कम 6 दिन उसने यही किया है, जिसमें से 2 दिन उसने लगभग नहीं खाया, पर उसने इंजेक्शन के बाद पानी पीना शुरू किया और थोड़ा सोना आराम से शुरू किया। मे बी उसको पहले पेट में दर्द या कुछ होगा, लेकिन जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी थी वो घटी, लेकिन ब्लड की फ्रिक्वेंसी घटने में, मतलब ब्लड की क्वांटिटी घटने में और ब्लड आना बंद होने में उसको पूरे 5 डेज लगे हैं। तो पूरे 5 दिन तक 5 इंजेक्शन एवरी डे उसको लगते थे। इसके अलावा भी उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीजें बताई जो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी। और आपको मैं यहाँ पे वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार और कहूंगी कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन कभी आपके डॉग के साथ होती है, आपको 1 और 2 ड्रॉप भी दिखता है अगर ब्लड का, तो ऐसे मत लीजिए कि ये नॉर्मल है,
ये आपको कई बार किसी फूड से एलर्जी होने की वजह से हो सकता है, ये ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, या कोई सडन फूड चेंज जिसका आपका बॉडी, आपके डॉग का बॉडी हैबिचुअल नहीं है, अगर ऐसा सडन फूड चेंज हुआ है तभी भी हो सकता है, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, खाने में कुछ ऐसा था उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर सम टाइम जो डॉग होते हैं उनके स्टमक ही सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भी ये जल्दी जल्दी कई बार हो जाता है। ये देखिए, बॉक्सर इस तरह से ज्यादातर टाइम जब उसको इंजेक्शन लगने लगे और दर्द कंट्रोल हो गया तो वो सोता रहता था, और आप देख सकते हो कितना पतला सा और छोटू सा लग रहा है, बहुत ही थका और वीक सा हो गया था। हमें बहुत टेंशन होती थी कि कहीं से कुछ हो ना जाए। इस सीन में आप देख सकते हो, ये बॉक्सर जब वेट कैस इंजेक्शन लगवा के आता था तो इतना वीक हो गया था कि ये गाड़ी की सीट पे मुंह रखता था, खड़े खड़े ही सो जाता था। जग गया जग गया, छोरा था अभी तक तू बक्सियो बक्सर, इतनी नींद आ रही है। इंजेक्शन लगवा के जब आता था तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम खिलाएं आधे से एक घंटे के बाद, तो ये डेली इसको हम देते थे। दोस्तों, हमने वेट के यहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अलाव भी नहीं था, और हमने बाकी भी ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हमारे लिए उस वक्त बॉक्सर की केयर ज्यादा जरूरी थी, वीडियो वगैरह बनाने में मन भी नहीं लगता था। अगर आपका डॉग बहुत शैतान है और इंजेक्शन लगवाने में परेशान करता है तो इस तरह की एक जाली आती है, इसका ऑनलाइन लिंक दे दूंगी मैं आपको पहले कमेंट में, आप परचेस कर सकते हो। इस तरह से बेल्ट से आप उसके मुंह पे पहना सकते हो। इससे क्या होता है कि जब इंजेक्शन लगवाओगे, आप उसको पकड़ोगे, जबरदस्ती करोगे तो आपको काट नहीं सकता, दांत नहीं लगा सकता, और चिल्लाना भी उसका कम हो जाता है, तो थोड़ा लगवाना आसान हो जाता है। हमें तो बॉक्सर के साथ इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता था, और इसका जो छोटा हिस्सा होता है ऐसे ऊपर रहता है और बेल्ट से टाइट हो जाता है, उसके बाद ही आपको काट नहीं सकता, क्योंकि बॉक्सर इंजेक्शन लगवाने में बहुत परेशान करता है, इसको दो तीन लोग भी मिलके पकड़ नहीं सकते, इतना ज्यादा ये अग्रेसिव हो जाता है, इसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो हम इसका यूज करते हैं, अगर आपका डॉग भी ऐसा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और डॉग को इससे कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि ये जालीदार होता है और प्लास्टिक का सॉफ्ट होता है। इसके अलावा हम जब 3 दिन बाद बॉक्सर ने थोड़ा खाना शुरू किया तो हम सिर्फ उसको एक छोटी कटोरी दही सुबह और शाम देते थे, और उसमें डालते थे 1 चम्मच इसबगोल, या जिसको सीलियम हस्क कहते हैं। ये हमारे वेट ने तो हमें प्रिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन हमने लूज मोशन में किसी दूसरे वेट का वीडियो देख कर एक बार ने सीखा था और हमने ट्राई किया, और ये बॉक्सर पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दें, थोड़ा सा पानी डाल के आप पतला भी कर सकते हो क्योंकि पानी सोख जाएगा, और दही है तो डॉग बहुत अच्छे से खाएगा, और दही में गुड बैक्टीरियाज भी हैं जो इसको लूज मोशन को ठीक होने में भी हेल्प करते हैं। तो ये ट्रिक आप जरूर अपना सकते हो, चाहे आपको नॉर्मल लूज मोशन हो डॉग को या ये ब्लड वाले हो। ये देखिए बॉक्सर कैसे छोटू सा बैठा है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी करते थे, ये हम बॉक्सर की नज़र उतार रहे हैं। देखिए, जिनके पास डॉग्स हैं या पेट्स हैं वो समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए बच्चे जैसे ही होते हैं, और हमारी जान अटकी हुई थी बॉक्सर में, तो हमने वो सब कुछ किया, इलाज भी किया, ये देसी नुस्खे भी किए, और हमने नज़र भी उतारी, सब कुछ किया। तो ये देखिए हम नज़र उतार रहे हैं, और उसको वाकई खूब नज़र लगी थी, क्योंकि एक तो वो बहुत खिलाड़ी बच्चा है, उसे लग भी जाती है, सब उसके बारे में बात करते हैं, टोकते हैं जब वो घूमने फिरने जाता है। तो हमने ये सारी चीज़ें भी की, देखिए कितनी सारी आग गिर रही है, और जब मैं नज़र उतार रही थी, आपने देखा होगा कि बॉक्सर जब बाउंड्री पे खड़ा था नीचे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स गिरे थे, तो उसको इतना ही ज़्यादा था कि अगर वो ऐसे खड़ा हो जाए तो नीचे ड्रॉप्स गिरने लगते थे। हाँ, ये बॉक्सर का बाद का वीडियो है, जब वो थोड़ा ठीक हो चुका था, मतलब लगभग ठीक हो गया था, इंजेक्शन बंद हो गए थे, तब उसने मॉर्निंग में आके इस तरह बालकनी में बैठना शुरू किया, जो कि उसे बहुत पसंद था, उसके टॉयज भी पड़े रहते थे, वो नहीं खेलता बॉक्सर था। गुड मॉर्निंग। बॉक्सर की तो बहुत देर पहले मॉर्निंग हो गई है। बॉक्सर दो सू बैठा है वहाँ। बॉक्स 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 बॉक्स, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। सब खा रहे हैं तो बॉक्सर सोच रहे हैं मैं भी डिनर कर लूं। कर लो, अर्ली डिनर इज अ गुड थिंग। और ठीक होने के भी 2-3 दिन बाद हमने उसको रोटी देना शुरू किया है। उससे पहले हमने सिर्फ उस और सिर्फ उसको दही और राइस दिया था, रोटी भी नहीं दिया था, जबकि उसे रोटी बहुत पसंद है, ताकि उसके लिए हैवी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं से और डॉक्टर की टाइमली हेल्प मिल जाने की वजह से बॉक्सर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। थोड़ा वीक जरूर हुआ है, तो उसे 15-20 दिन तो अच्छी डाइट लेने के बाद रिकवर करने में लगेंगे ही, और क्योंकि इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी, और अब वो अपना नॉर्मल रूटीन में आ गया है, अपना वॉक जाना, अपने फ्रेंड के साथ में खेलना, आप देख सकते हैं वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में खेल रहा है, तो फुली एक्टिव है, फुली रिकवर्ड है, बट अभी भी हम उसको दही रेगुलरली दे रहे हैं,
और मट्ठा भी, क्योंकि ये स्टमक के लिए दोनों डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी हम उसको कोई एग वगैरह नहीं दे रहे हैं, लाइट फूड दे रहे हैं, ऐसा फूड जो उसके लिए हेल्दी भी हो और साथ ही साथ डाइजेस्ट इजी हो, क्योंकि अभी अभी उसका स्टमक इतना ज़्यादा इन्फेक्शन और उससे ठीक हुआ है वो, तो हम नहीं चाहते कि उसको फिर से कोई जल्दी प्रॉब्लम हो जाए या कहीं उसको फिर से अपसेट ना हो जाए। तो धीरे धीरे हम उसकी डाइट बढ़ा रहे हैं, एकदम से हम उसको रोटी या दूध जैसी चीज़ों पर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उसका स्टमक अपसेट कर सकती हैं। ऑल्दो उसे रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में दे रहे हैं और राइस वगैरह खाने के लिए ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं। आप सबकी दुआओं के लिए, प्रेयर्स के लिए, और बहुत सारे व्यूअर्स ने रेगुलरली उसका हाल पूछा कमेंट्स में, पोस्ट पर। हर एक का नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बॉक्सर के ठीक होने में आप सबकी दुआओं का भी असर है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने पेट का बहुत ख्याल रखिए।